सुनहरे हाथी उन पर हमला कर देते हैं। तभी एक हाथी कहता है, दुष्ट लालची मनुष्यों, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा लौटकर यहाँ मत आना वरना मारे जाओगे। एक बार की कहानी है, दो लालची व्यक्ति एक जंगल में लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। तभी लकड़ियाँ काटते काटते एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह लकड़ियाँ काटते काटते तो मेरे हाथों में छाले पड़ गए। आखिर कब तक हम इन लकड़ियों को काटकर अपना गुजारा करते रहेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हमें काम भी ना करना पड़े और हम रातों रात अमीर भी हो जाएं? दूसरा व्यक्ति कहता है, भाई तुम सही कह रहे हो, अगर हम ऐसे ही जिंदगी भर लकड़ियाँ ही काटते रहेंगे तो हम सदा गरीब ही रहेंगे। तभी वहीं पास में पेड़ पर बैठा हुआ गिद्ध उन व्यक्तियों से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम लोग अपनी गरीबी से परेशान हो? क्या तुम दोनों अमीर होना चाहते हो? उस गिद्ध की बात सुनकर लालची व्यक्ति कहते हैं, हाँ हाँ, हम अमीर होना चाहते हैं, जल्दी बताओ। गिद्ध फिर से कहता है, तो ध्यान से सुनो, इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ है। उस पेड़ के पास एक जादुई दरवाजा है। उस जादुई दरवाजे के उस पार एक जादुई सुनहरी दुनिया है, जहाँ जादुई सोने के जानवर पाए जाते हैं। उन्हें पाकर तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। इतना कहकर वह गिद्ध वहाँ से उड़ जाता है। गिद्ध की बात सुनकर वह दोनों लालची व्यक्ति खुशी से पागल हो जाते हैं और जंगल में उस जादुई दरवाजे को ढूंढने लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन दोनों लालची व्यक्तियों को वह जादुई दरवाजा नहीं मिलता। तभी एक व्यक्ति कहता है, भाई सुबह से शाम हो गई, परंतु ना तो वह विशाल पेड़ और ना वह जादुई दरवाजा कहीं दिखाई दिया। भाई मुझे तो लगता है उस बूढ़े गिद्ध ने हमें बेवकूफ बनाया है। दूसरा व्यक्ति कहता है, भाई हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, यह जंगल बहुत बड़ा है, हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। ऐसा कहकर वह दोनों लालची व्यक्ति जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते वह दोनों व्यक्ति आखिरकार उस विशाल पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां वह जादुई दरवाजा होता है। जादुई दरवाजे को देखकर वह दोनों लालची व्यक्ति खुश हो जाते हैं। आह क्या बात है भाई, आखिरकार हमें यह जादुई दरवाजा मिल ही गया। हाँ भाई, अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे, चलो भाई अब जल्दी से इस दरवाजे के अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों व्यक्ति दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि वह दरवाजा जादुई था तो वह एक ऐसी दुनिया में खुलता है जहां बड़े बड़े सोने के हाथी घूम रहे होते हैं। उन सुनहरे हाथियों को देखकर दोनों लालची व्यक्तियों की आंखों में चमक आ जाती है। वह दोनों खुशी के मारे उछलने लगते हैं। अरे वाह भाई, वह बूढ़ा गिद्ध तो सही कह रहा था, यह सभी हाथी तो सचमुच सोने के हैं। अगर हम इनमें से एक भी हाथी पकड़ लें तो हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इतना कहकर दोनों लालची व्यक्ति सुनहरे हाथियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। उन दोनों व्यक्तियों को अपनी तरफ आता देख सुनहरे हाथी उन पर हमला कर देते हैं। तभी एक हाथी कहता है, दुष्ट लालची मनुष्यों, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा लौटकर यहाँ मत आना वरना मारे जाओगे। भागते भागते वे दोनों व्यक्ति एक जगह आकर रुक जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है, भाई यह सुनहरे हाथी तो बहुत ही खतरनाक हैं, हम इन्हें ऐसे नहीं पकड़ सकते। हाँ भाई, इन विशाल सुनहरे हाथियों को पकड़ने के लिए हमें कोई उपाय करना होगा। इतना कहकर वह दोनों व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों लालची व्यक्ति ट्रक लेकर फिर से उसी जंगल में आ जाते हैं और सुनहरे हाथियों को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। तभी एक व्यक्ति चुपके से एक पेड़ के नीचे जाकर फल रख देता है। थोड़ी ही देर में एक सुनहरा हाथी उस पेड़ के पास आता है और पेड़ के नीचे पड़े उस फल को खाने लगता है। तभी इतने में वे दोनों लालची व्यक्ति उस सुनहरे हाथी के ऊपर एक पिंजरा गिरा देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वह दोनों व्यक्ति उस सुनहरे हाथी को ट्रक में रखकर वहां से ले जाते हैं और उसे लेकर गांव में आ जाते हैं। गांव लाकर वह दोनों लालची व्यक्ति उस सुनहरे हाथी को लाठी डंडों से पीटने लगते हैं और कहते हैं, अरे ओ जादुई हाथी, अब जल्दी से हमारी इच्छा पूरी कर, हम दोनों को इस गांव में सबसे अमीर होना है, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें इसी समय खूब सारा पैसा दो। उन दोनों लालची व्यक्तियों की बात सुनकर सुनहरा हाथी कहता है, लालची मनुष्य, यह तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। हाथी के ऐसा कहने पर वह दोनों लालची व्यक्ति सुनहरे हाथी को और जोर से पीटने लग जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ उस सुनहरे जंगल की रानी एक जादुई परी होती है। अपने जंगल में एक सुनहरे हाथी को ना पाकर वह बाकी हाथियों से उसके लापता होने का कारण पूछती है। सभी सुनहरे हाथी जादुई परी के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। हे रानी परी, दो लालची व्यक्ति छल से हमारे सुनहरे हाथी को पकड़ कर ले गए हैं, कृपया करके आप उसे बचा लीजिए। सुनहरे हाथी की बात सुनकर जादुई परी को उन दोनों व्यक्तियों पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं गांव में वह दोनों लालची व्यक्ति लगातार उस सुनहरे हाथी को मार रहे होते हैं। तभी जादुई परी उसी समय वहां आ जाती है। जादुई परी देखती है कि वे दोनों लालची व्यक्ति सुनहरे हाथी पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। यह देखकर जादुई परी गुस्से से कहती है, अरे दुष्ट लालची व्यक्तियों, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। सुनहरे हाथी हमारे लिए प्रकृति का वरदान है। तुम दोनों ने लालच में आकर जो पाप किया है तुम्हें उसकी सजा अवश्य मिलेगी। इतना कहकर जादुई परी उन दोनों लालची व्यक्तियों को अपनी शक्ति से पत्थर का बना देती है और उन्हें गांव के बीचों बीच चौराहे पर खड़ा कर देती है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक आ गिरते हैं। जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब कालिया राक्षस और चुड़ैल एक साथ इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति से इन दोनों का सामना करती है, परंतु अचानक हुए इस हमले से इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ कालिया राक्षस और चुड़ैल के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन तीनों में एक घमासान लड़ाई होती है। तभी इच्छाधारी नागिन की एक शक्ति चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है, परंतु इतने में ही मौका पाकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति इच्छाधारी नागिन पर मारता है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही कालिया राक्षस नागमणि के पास जाता है। जैसे ही कालिया राक्षस नागमणि को छूने की कोशिश करता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। कालिया राक्षस घबरा जाता है। अरे, यह कैसी शक्ति है जो मुझे नागमणि उठाने से रोक रही है? तभी चुड़ैल कहती है, कालिया, हम में से कोई भी इस नागमणि को नहीं उठा सकता है। इस नागमणि को सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी ही उठा सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया राक्षस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह इच्छाधारी नागिन के अंडे को उठाकर ले जाता है। अपनी गुफा में लाकर वह अब शक्ति से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु अंडा नहीं टूटता है। कालिया राक्षस निराश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ समय बाद वह अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से नागराज बाहर आता है। कालिया राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरे बच्चे, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी है। एक बार मुझे नागमणि मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें नागलोक सौंप दूंगा और फिर तुम नागलोक पर राज करना। राज, छोटू नागराज कहता है, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी, बताइए कहाँ है वह नागमणि। कालिया राक्षस छोटू नागराज को लेकर नागमणि के पास आ जाता है। छोटू नागराज नागमणि को उठाकर कालिया राक्षस को सौंप देता है। नागमणि की शक्ति मिलते ही कालिया राक्षस कहता है, आखिरकार मुझे नागमणि की शक्तियाँ मिल ही गयी। बच्चे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति छोटू नागराज पर मारता है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक आ गिरते हैं। साधु बाबा वहीं घूम रहे होते हैं। साधु बाबा छोटू नागराज के पास आते हैं। छोटू नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी यह हालत किसने की? छोटू नागराज साधु बाबा को सारी बात बता देता है। छोटू नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार कालिया राक्षस ने उनके साथ धोखा किया है। छोटू नागराज, वह कालिया राक्षस तुम्हारा पिता नहीं है। उसने नागमणि हासिल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी माँ को भी उसी ने मारा है। जो कि अब उसे नागमणि की शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं, अब वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब उसका सामना करना आसान खेल नहीं है। नागलोक पर कब्जा करने के बाद वह पृथ्वी लोक पर आक्रमण अवश्य करेगा। इससे पहले कि वह आक्रमण करे, हमें वहाँ पहुँचकर उसे रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक जादुई बाज और एक त्रिशूल निकलता है। साधु बाबा और छोटू नागराज उसी समय उस जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं।
और कालिया राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया कहता है, बच्चे उस समय तो तू बच गया था, परंतु आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ए मेरे गुलामों, जाओ खत्म कर दो इन दोनों को। इतना कहते ही कालिया राक्षस के गुलाम साधु बाबा और छोटू नागराज पर हमला कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति का वार उन गुलामों पर करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, छोटू नागराज यही मौका है, जाइए और इस त्रिशूल से इस कालिया राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर छोटू नागराज कालिया राक्षस की तरफ दौड़ते हैं और त्रिशूल सीधा कालिया राक्षस को मार देते हैं। त्रिशूल लगते ही कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और जलकर भस्म हो जाता है।